हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे डिप्रेसिव डिसऑर्डर का, वो है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसको हम DSM-4 के अकॉर्डिंग डिस्थीमिया भी कहते हैं। अब हम DSM-5 के क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर यानी कि डिस्थीमिया को डायग्नोज करने के लिए। परसिस्टेंट का मतलब होता है बहुत टाइम तक रहने वाला, तो इसी तरह परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर में जो मूड है वो डिप्रेस रहेगा फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स तक। लाइक कंटिन्यूसली नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द डे या मोस्ट ऑफ द टाइम मूड डिप्रेस ही रहेगा। और अगर हम बच्चों और टीनेजर की बात करें तो उनका मूड डिप्रेस होने के साथ साथ इरिटेबल भी होता है, और इसकी ड्यूरेशन एटलीस्ट 1 ईयर तक होनी चाहिए, तभी परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर का क्राइटेरिया ए मेट करेगा। क्राइटेरिया बी के अकॉर्डिंग मूड डिप्रेस होने के साथ साथ इन 6 सिम्टम्स में से 2 या 2 से ज़्यादा भी प्रेजेंट होने चाहिए, तो क्राइटेरिया बी मैच करेगा। तो चलिए अब हम उन 6 सिम्टम्स को डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट सिम्टम इज़ कि पेशेंट को बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी या फिर वो बहुत ओवर ईटिंग करेगा। द सेकेंड इज़ कि या बिल्कुल नींद नहीं आएगी या बहुत ज़्यादा नींद आएगी। थर्ड सिम्टम इज़ कि एनर्जी लो होगी और वो अपने आप को बहुत थका थका फील करेगा। द फोर्थ इज़ कि उसकी सेल्फ स्टीम बहुत लो होगी। फिफ्थ सिम्टम कहता है कि ना वो अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएगा और ना ही वो अच्छे से डिसीजन ले पाएगा। और लास्ट सिम्टम कहता है कि उसको बहुत नाउमीदी और मायूसी होगी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये 6 सिम्टम्स पिछली जो हमारी मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की वीडियो थी उसके सिम्टम्स से काफ़ी रिलेट कर रहे हैं, लेकिन परसिस्टेंट और मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर से कुछ सिम्टम्स डिफरेंट है और इनकी ड्यूरेशन भी डिफरेंट है। क्राइटेरिया सी कहता है कि अगर क्राइटेरिया ए और बी 2 मंथ से ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होंगे तो ये परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर नहीं होगा, क्योंकि परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर के लिए ज़रूरी है कि ये दोनों क्राइटेरिया मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेजेंट हों। दोनों क्राइटेरिया से मुराद क्राइटेरिया ए और बी जो भी हमने पीछे डिस्कस किए हैं। क्राइटेरिया डी कहता है कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का क्राइटेरिया 2 साल तक कंटिन्यूसली प्रेजेंट होगा। क्राइटेरिया ई कहता है कि मैनिक या हाइपोमैनिक का एपिसोड नहीं होगा और ना ही साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर का क्राइटेरिया मैच होगा, यानी ये बाइपोलर डिसऑर्डर को रूल आउट कर रहे हैं। क्राइटेरिया एफ कहता है कि परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर से होने वाली डिस्टर्बेंस इन मेंशन डिसऑर्डर से लाइक स्किज़ोफ्रेनिया इंक्लूडिंग स्पेसिफाइड और अनस्पेसिफाइड एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर से बेटर एक्सप्लेन नहीं हो सकती। क्राइटेरिया एफ कहता है कि ये सिम्टम्स किसी भी ड्रग एब्यूज़, सब्सटेंस एब्यूज़, मेडिकेशन या किसी भी मेडिकल कंडीशन की वजह से नहीं आते। क्राइटेरिया एच कहता है कि ये सिम्टम्स सोशल, ऑक्यूपेशनल और लाइफ के मेजर एरियाज़ की फंक्शनिंग में डिस्टर्बेंस लाते हैं। तो ये थे हमारे परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर से क्राइटेरिया। अगर ये 21 ईयर्स की एज से पहले आ जाए तो हम इन्हें कहते हैं अर्ली ऑनसेट। अगर ये 21 ईयर्स की एज के बाद आए तो हम इन्हें कहते हैं लेट ऑनसेट। बाकी के स्पेसिफायर्स यहाँ पर मेंशन है। इसमें हम पार्शियल और फुल रिमिशन की बात करते हैं। पार्शियल रिमिशन मतलब जब ट्रीटमेंट इन प्रोसेस हो, और फुल रिमिशन मतलब जब ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाए। जब मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर 2 साल तक प्रेजेंट ना हो तो हम उसे कहते हैं प्योर डिस्थाइमिक सिंड्रोम, और जब कंटिन्यूसली 2 साल तक प्रेजेंट हो तो हम उसे कहते हैं परसिस्टेंट मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्रॉनिक डिप्रेशन। अदर स्पेसिफायर्स आर माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड में क्राइटेरिया मैच करता है लेकिन फंक्शनिंग थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। मॉडरेट में फंक्शनिंग में थोड़ा सा और इफेक्ट पड़ता है, और सीवियर में फंक्शनिंग डिस्ट्रेस हो जाती है। दैट्स ऑल अबाउट परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।